वीडियो जारी होंदा तां स्पष्ट रूप दे विच पुलिस ने उहदा वी जवाब दित्ता कि अमृतपाल जिहड़े सरेंडर की गल आ रही है तां उन्होंने स्पष्ट रूप च कहा कि गुरु घर दे विच अमृतपाल सीगा ते साडे लवे जिहड़े पुख्ता इनपुट सीगे आखिरकार अमृतपाल जिस तरह के नाल उत्थे पहुंच चुका सी ते पूरे पिंड नूं कहिंदे सी घेरा पा चुके सीगे जिहदे चलदे अमृतपाल कोल कोई होर ऑप्शन बचदी नहीं सी। पुलिस ने इहदे विच जे कहा जावे एक पुख्ता रूप दे विच जिहड़ा स्पष्ट कीता है कि गुरु घर दे अंदर जदों अमृतपाल सीगा तां असी किसी भी तरह दे नाल गुरु घर दी जिहड़ी मर्यादा है उह भंग नहीं सी करना चाहुंदे ते ना ही कर सकदे हैगे। कुछ दिन पहला तुहाडे याद होवे कि जिस तरह दे नाल अमृतपाल दी पत्नी नूं लैके खबरां सामने आईयां सी कि उहनां नूं जिहड़ा एयरपोर्ट ते रोकिया जांदा तां की आखिरकार अमृतपाल दे जिस तरह दे नाल दबाव परिवार ते वी बणिया होया सी कि उह गिरफ्तारी दा कारण बणिया। अमृतपाल की गिरफ्तारी लेकर पुलिस ने स्पष्ट कराया कि आखिरकार अमृतपाल को किस तरह के गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि लगातार जो देखिए तो सरेंडर का सब तो ज्यादा जो कहा जाए क्योंकि सबनों पता है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है एनएसए के तहत हुई है पर आखिरकार गल सरेंडर लैके जिस तरह के उसकी नजर आ रही थी कि एक वीडियो जारी होंदा तो स्पष्ट रूप के पुलिस ने उसका भी जवाब दिता है कि अमृतपाल जिहड़े सरेंडर की गल आ रही है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गुरु घर के अमृतपाल सीगा ते साडे लवे जिहड़े पुख्ता इनपुट सीगे आखिरकार अमृतपाल जिस तरह के नाल उत्थे पहुंच चुका सी ते पूरे पिंड नूं कहिंदे सी घेरा पा चुके सीगे जिहदे चलदे अमृतपाल कोल कोई होर ऑप्शन बचदी नहीं सी कि आखिरकार उह बाहर आउंदा। नाल ही उन्होंने कितना कितें आई जी का भी कहना सीगा कि जिस तरह के नाल अमृतपाल के उत्ते 35 दिन तो लगातार असीं दबाव बनाया होया तां उहदे चलदे होए कोशिशां साडियां इही सी कि जिस तरह के नाल भावें उह टिकाणे बदल रहा सी भावें उस नूं लैके इनपुट सारे सीगे तां आखिरकार जल्द तो जल्द अमृतपाल तक पहुंचा जाए पर नाल इह वी कि आखिर अमृतपाल की जदों गिरफ्तारी हुंदी आ तां सरेंडर की खबर आखिर उस वीडियो के नाल जुड़ के क्यों सामने आउंदी आ। पुलिस ने इहदे विच जे कहा जावे एक पुख्ता रूप दे विच जिहड़ा स्पष्ट कीता है कि गुरु घर दे अंदर जदों अमृतपाल सीगा तां असी किसी भी तरह दे नाल गुरु घर दी जिहड़ी मर्यादा है उह भंग नहीं सी करना चाहुंदे ते ना ही कर सकदे हैगे जिहदे चलदे सानूं बाहर रह के वेट करना सी पर जदों असी घेराबंदी जिस तरह दे नाल कीती हुई सी जो इनपुट साडे कोल सीगे तां आखिरकार उहदे चलदे ही आखिरकार अमृतपाल की गिरफ्तारी संभव हो पाई आ। नाल नाल जे हुण कहीए कि आखिरकार अमृतपाल दा पहला आखिर जे कहीए कि गिरफ्त दे विच पुलिस ने क्यों नहीं आउंदा हुण ही अजिहा की हुंदा क्यों हुंदा क्योंकि कुछ दिन पहला तुहाडे याद होवे कि जिस तरह के नाल अमृतपाल की पत्नी नूं लैके खबरां सामने आईयां सी कि उन्हां नूं जिहड़ा एयरपोर्ट ते रोकिया जांदा तां की आखिरकार अमृतपाल दे जिस तरह के नाल दबाव परिवार ते वी बणिया होया सी कि उह गिरफ्तारी दा कारण बणिया क्योंकि यह चीज जदों आई जी नूं पुछी गई तां तुहानूं मैं स्पष्ट सुना देना कि आई जी की कहिंदे ने क्योंकि उहदे विच आई जी दा जवाब यह सी कि ता ही करके जिस तरह के नाल साडे कोल इनपुट उत्थों ही साडे कोल इनपुट आउंदे ने उदू बाद गिरफ्तारी हुंदी आ वड्डा सवाल जे कहा जावे तां वड्डा एक साइन खड़ा हुंदा जदों आई जी इह गल कहिंदे ने ते नाल ही तुहानूं हुण सुना देने आई जी कहिंदे की ने जदों पुछया जांदा कि आखिरकार अमृतपाल की तुसीं वाइफ नूं जिवें रोकिया सी कुछ दिन पहलां जां परिवार ते दबाव बणाया सी तां की उहदा करके ही अमृतपाल की गिरफ्तारी संभव हुई है तुसीं आप सुण लो इस सवाल के जवाब दे विच उह की कहिंदे जिस तरह से अमृतपाल की जो मैं दोबारा कभी कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में जो पंजाब पुलिस ने लगातार दबाव बनाया हुआ था उस दबाव के तहत ही जो जो इनपुट्स थे वहीं से आते हैं पंजाब पुलिस के सारे फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आते हैं। अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कम्प्लीटली सक्सेसफुल आखिरकार स्पष्ट करता है जी ने कि आखिरकार इनपुट्स जो दबाव बनाने असीं जो टैटिक्स होंगे ने गे पुलिस के काम करन दे तां उहदे चलदे आम तौर ते असीं देखदे आ किसी अपराधी नूं जदों फड़ना हुंदा तां परिवार ते दबाव बनाया जांदा या फिर उहदे नजदीकियां ते दबाव बनाया जांदा या फिर उहदे दोस्त मित्रां तों जदों फड़िया जांदा तां आखिरकार इस तरह दे आउंदी आ। पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी पहलां हो चुकी सी पप्पल प्रीत जिथे एक पासे जे कहा जावे तां अमृतपाल दा मीडिया एडवाइजर कहा जांदा सी दूजे पासे इह वी सी कि आखिरकार जिथे जिथे जाणा है जिहड़े जिहड़े टिकाणे ते जाणा तां उस चीज़ां नूं लै के पप्पल प्रीत की अहम भूमिका सी उस दिन कितने कितने गल स्पष्ट होने लग गई सी कि पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी तों बाद ज़्यादा दिन अमृतपाल तों दूर पुलिस नहीं रहिंदी ते उसे तरह दे नाल अज जिस जिवें अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई आ तां अमृतपाल की गिरफ्तारी नूं लैके पुलिस ने स्पष्ट लफ्ज़ां च इह वी कहा है कि आखिरकार एक तां धन्नवाद कीता है कि पंजाब दे लोकां ने शांति जिवें बना के रखी साडा साथ दित्ता दूजे पासे कन्न वी कराते ने उहनां लोकां दे कि आखिरकार जिहड़े लोक इस पूरे मामले दे विच मिसलीड करनगे गलत जानकारियां फैलाउणगे जां इस गिरफ्तारी दे उहनूं लैके गलत
तरीके दे नाल कोई प्रोपोगंडा करनगे सख्त कार्रवाई उन्होंने भी होनी है। यानी कि पुलिस ने यह गल स्पष्ट करी है कि जो कोई गुरु घर चलिया जाए तो ऐसी मर्यादा के तहत उत्थे काम करना होंगे तो उसके चलते ही असं बाहरों जोड़ा कि मजबूत दबाव बना के रखा जिदे करके गिरफ्तारी संभव हुई है। खैर देखना होगा कि होर की जानकारियां ने क्योंकि पुलिस के वालों होर जानकारियां अजे जे कहा जाए इनवैसटीगेशन जो एक पूरी चली है इन दिनों के दौरान जो जो पता लग्या वो बारे ज्यादा पत्ते नहीं खोले गए। पर यह सब तो वड्डा खुलासा आई जी की प्रैस कॉन्फ्रेंस के इस सवाल के बाद जरूर होंगे कि आखिरकार जदों कुछ दिन पहला अमृतपाल की पत्नी एयरपोर्ट से रोकया जाता उस तो बाद वापस घर आएंगे तो कि उतों कोई पॉइंट निकलिया तो उदो जवाब है जरा सुनी लिया सीनियर विजुअल असमित रोजाना।